हाय दोस्तों, कैसे हो। एक टाइम वो भी था जब हम स्मार्टफोन एक्सेसरीज में सिर्फ टेम्पर्ड ग्लास कवर को गिनते थे, बट आज की डेट में ये एक्सेसरी सेगमेंट काफी बड़ा हो गया है। स्मार्ट वॉचेस, TWS ईयरबड्स, यहाँ तक कि वायरलेस नेक बैंड्स भी आपकी एक्सेसरीज में काउंट होते हैं। एंड अगर मैं मार्केट वॉल्यूम की बात करूँ तो ये काफी ज्यादा ह्यूज है। अब इसमें सपोज करते हैं कि आपका 1000 से 1500 रुपए का स्ट्रिक्ट बजट है और इसमें आपको एक वायरलेस नेक बैंड खरीदने हैं, ठीक है। तो अब एक मेन बात आती है कि यार इतने सारे मॉडल्स अवेलेबल है, कौन सा लिया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ 5 प्रो टिप्स बिफोर बाइंग अ वायरलेस नेक बैंड इन इंडिया। बजट मैंने आपको बता ही दिया, और हाँ, इस वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि मैं एक प्रोडक्ट की भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट वो 5 की 5 प्रो टिप्स को टिक करता है। तो सबसे पहली टिप या फीचर कह लो, वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अब आपको ध्यान रखना है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एटलीस्ट 5.0 से ऊपर हो। जैसे कि अब ये है, ये बोल्ट कर्व ANC है और इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है, यानी कि काफी सही है, सीमलेसली आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एंड ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेयर करने में इतना टाइम लग जाता है कि बंदा इरिटेट हो जाता है। एंड कई बार सिर्फ लेफ्ट वाला बट कनेक्ट होता है, राइट वाला बट कनेक्ट ही नहीं होता। इसके अलावा कनेक्टिविटी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप मल्टीपल डिवाइसेज यूज करते हो तो डुअल पेयरिंग सपोर्ट भी होना चाहिए, जो कि आपको अगेन बोल्ट कर्व ANC में देखने को मिल जाता है। यू गेट डुअल पेयरिंग सपोर्ट, यानी कि आप एक वायरलेस नेकबैंड को 2 डिवाइसेज से साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हो, विच इज क्वाइट गुड। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नॉइस कैंसिलेशन। अब मोस्ट ऑफ द नेकबैंड्स में आपको मार्केटिंग टर्म्स में ना कई बार नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाता है, बट लेट मी टेल यू दैट्स नॉट ANC, दैट्स ENC। दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। ENC का मतलब है एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, जो कि इतनी ज्यादा इमर्सिव नहीं होती, बट अगर मैं बात करूं ANC की, दैट्स कॉल्ड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जो कि यहां पर आपको बोल्ट ऑडियो के कर्व ANC में देखने को मिल जाती है। यहां तक कि आपको एक डेडिकेटेड बटन भी मिलता है जिस पर ANC ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन है। एंड यहां पर आपको 3 मोड्स मिलते हैं, एक है आपका ट्रांसपेरेंट मोड, एक है ANC ऑन, एंड थर्ड है ANC ऑफ। तो ANC होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बैकग्राउंड नॉइजेस को टोटली कट कर देता है। सो फॉर एग्जांपल, मैंने देखा मेट्रो में काफी लोग वायरलेस नेकबैंड्स पहन के घूम रहे होते हैं, तो यार मेट्रो में इतना शोर होता है, तो अगर आप बोल्ट कर्व जैसे ANC वायरलेस नेकबैंड्स पहन के घूमते हो तो आपको बिल्कुल भी बैकग्राउंड में नॉइज नहीं आएगी, एंड जो ओवरऑल ऑडियो एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाता है। एंड यहां पर आपको 30 dB तक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में प्रीटी डिसेंट है। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है माइक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग वायरलेस नेकबैंड को कॉल्स रिसीव या अटेंड करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, ऐसे में एक अच्छा माइक होना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बोल्ट कर्व ANC में आपको 2 माइक्स मिल जाते हैं, एक माइक है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के लिए, एंड सेकंड माइक है आपका ENC यानी कि एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन के लिए, यानी कि ऑडियो जो आप कान में सुन रहे हो वो तो इमर्सिव है ही, क्योंकि वहां पर भी ANC मिलता है आपको, और इसके बाद जो ऑडियो आप रिसीवर साइड पर भेज रहे हो वो भी नॉइज कैंसिल होके जा रही है, बैकग्राउंड में जितना भी शोर वगैरह है वो कट हो रहा है। सॉरी गाइस, होली है तो गुजिया का इंटरप्शन हो गया। बट यहाँ पर हम बात करते हैं 5 प्रो टिप की, तो 4th प्रो टिप है बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग। अगर आप एक वायरलेस नेकबैंड यूज कर रहे हो ना, तो इसका जो बैटरी लाइफ है वो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि क्यों कोई बंदा नेकबैंड लेगा और TWS ईयरबड्स नहीं लेगा, क्योंकि TWS ईयरबड्स में बार बार चार्जिंग का इशू है एंड उनकी बैटरी लाइफ 1 से 2 दिन तक ही टिकती है, जबकि वायरलेस नेकबैंड्स एटलीस्ट नॉन स्टॉप 40 आवर्स तक चल सकते हैं ऑन सिंगल बैटरी लाइफ, जो कि एटलीस्ट उन लोगों के लिए तो काफी यूजफुल है जो सिर्फ मंडे को चार्ज करके निकले और फिर फ्राइडे को ही दोबारा चार्ज करना पड़े, क्योंकि ये बोल्ट कर्व ANC आपका सिंगल चार्ज पर एटलीस्ट 5 दिन की बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है। और मैंने चार्जिंग इसलिए बोला था क्योंकि मोस्ट ऑफ द वायरलेस नेकबैंड्स में ना USB चार्जिंग आ रही है अभी भी। अब आप कितनी चार्जिंग केबल लेके घूमोगे, तो इससे बेटर है कि Type-C चार्जिंग हो, ताकि आपके फोन में जो चार्जिंग केबल लग रही है वो सेम इस नेकबैंड में भी लग जाए। एंड दैट्स व्हाई यहां पर आप देखो तो आपको USB Type-C चार्जिंग जैक देखने को मिल जाता है। और USB Type-C चार्जिंग का एक और फायदा ये है कि ये फास्ट चार्जिंग होती है, यानी कि अगर आप बोल्ट का ANC को सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्ज करते हो तो आपको 15 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम मिल जाता है। एंड लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट इज वाटरप्रूफिंग। यहाँ पर आपको बोल्ट का ANC में IPX5 रेटिंग देखने को मिल जाती है। IPX5 का मतलब है कि डस्ट प्रूफ तो नहीं है, बट ये 5th लेवल ऑफ वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपको। सो जितने भी लोग जिम में यूज करते हैं या फिर अचानक से बारिश आ जाती है तो इनको ऐसे समेट के पॉकेट में घुसा के रखने की जरूरत नहीं है, पहने रखो, क्योंकि ये वाले नेकबैंड्स खराब नहीं होंगे। और एक बोनस टिप कि अगर आप नेकबैंड यूज करके गेमिंग करते हो तो गेमिंग के टाइम पर वो जो लैग आता है ना पबजी के टाइम पर, कि पबजी में ऑडियो कहीं होती है और नेकबैंड में थोड़ी लेट सुनाई दे रही होती है, वो नहीं होना चाहिए। एंड बोल्ट ऑडियो के कर्व ANC में ये 60 milliseconds की लो लेटेंसी है, जो कि काफी सही है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड कॉम्बैट गेमिंग मोड है। और हमने वीडियो की स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि 1000 से 1500 का आपका बजट है, तो ये वाले नेकबैंड्स एग्जैक्टली उस प्राइस में फिट बैठते हैं। ये आज इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च हो रहे हैं फॉर जस्ट 1299, एंड थोड़े टाइम बाद इसका प्राइस 1499 हो जाएगा। तो मेरे मानने में तो अंडर 1500 की रेंज में ये काफी सही प्रोडक्ट है। ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी की बात करूं तो मुझे बेस इसका थोड़ा सा बेटर लगा
होगा। बाकी देखो ऑडियो क्वालिटी सबको अलग अलग पसंद आती है, किसी को ज्यादा लाउड पसंद आता है, किसी को थोड़ा सा सराउंड साउंड हो तो पसंद आता है। तो मुझे तो इसका ANC मोड ऑन करके जब मैं ऑडियो सुन रहा था प्रॉपर बेस के साथ आ रहा था, तो वो काफी पसंद आया। बाकी आप लोग मुझे प्लीज जरूर बताना नीचे कॉमेंट्स में कि अगर आप एक नेक बैंड या वायरलेस ईयरबड्स खरीदते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हो, और अगर कोई और प्रो टिप आपको बताओ तो नीचे कॉमेंट्स में जरूर बता देना सबको। बाकी अगर आपको ये वाला नेक बैंड खरीदना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और अगर आपके फ्रेंड्स में से कोई नेक बैंड लेने की सोच रहा है तो उनके साथ ये वाली प्रो टिप्स वाली वीडियो जरूर शेयर कर देना, और कैशवाई को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।